भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मेरी माँ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना और मेरा ध्यान कहीं पर। दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा। आईवीटीवी देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवीटीवी और मैं हूं आपके साथ शिशि श्रीवास्तव। चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन पर FIR हुआ है जिसके बाद से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी पर खगड़िया जाने से पहले चिराग पासवान ने काफी कुछ कहा। चिराग पासवान से सवाल किया गया प्रिंस राज पर FIR को लेकर और नीरज कुमार बबलू के बयान पर भी, जिस पर चिराग पासवान ने काफी कुछ कहा। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। आज वही कार्यक्रम है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव तो वहीं। नीरज कुमार बबलू मंत्री कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहा पूछा। भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मेरी माँ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना और मेरा ध्यान कहीं पर। बात कितनी हद तक सच है, चिराग जी जो विवाद उठा है FIR वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटनाचक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उससे भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सर सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, FIR दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिले। उसमें मेरा नाम आया है भाई, आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज्ड हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को FIR दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी कि आप FIR दर्ज करवाएं, और यही उन मोहतरमा को भी एडवाइस किया गया। देखिए अभी मनु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथी रहे, छोटे भाई की तरह रहे, भले किसी भी पार्टी में रहे, बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर मैं चाहूंगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आए। तो सुना आपने, चिराग पासवान का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी पहले से थी और उन्होंने 15 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि उन्होंने दोनों पक्ष की बात सुनी और उसके बाद दोनों को सलाह दी कि दोनों FIR करने जाए क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। नीरज कुमार बबलू के बयान पर उन्होंने कहा कि ये मेरी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बता दें, नीरज कुमार बबलू ने चिराग पासवान को NDA का हिस्सा बताया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे IVTV। हम YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें और Twitter पे फॉलो करें। धन्यवाद।